हाय गाइस, वेलकम टू लॉ की दुनिया। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, बट उससे पहले प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिसिएशन दे दीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड डू शेयर गाइस। तो नेक्स्ट चैप्टर है सिक्स, जिसका नाम है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये ICSI का मॉड्यूल है, ये आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा ICSI की वेबसाइट पर, आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिए ईमेल आईडी के साथ, मैं वहाँ पे आपको भेज दूँगी। बट उससे पहले मेक श्योर कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो नेक्स्ट आप चलते हैं चैप्टर नंबर सिक्स पे। इंट्रोडक्शन में तो यही कहा गया है कि जो बिज़नेस है उसको चलाना है हमको, हमें बिज़नेस सेटअप करना है तो उसका क्या साइज़ होना चाहिए बिज़नेस का, उसका नेचर क्या होना चाहिए, ठीक है। एंड बहुत सी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है कि उसका टैक्स क्या है और किस फॉर्म में, किस बिज़नेस फॉर्म में हमको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, कहाँ पर हमको जो लीगल कॉम्प्लायंस के खर्चे हैं वो ज़्यादा आएंगे, किस बिज़नेस में प्रॉफिट है लॉस है। तो इसके लिए हमको एक एक जो बिज़नेस स्ट्रक्चर है उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस में हमको ज़्यादा फ़ायदा है। तो सबसे पहला जो है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल का नाम से ही पता चल रहा है इसके डेफिनेशन के, सोल मतलब कि एक इंडिविजुअल, और जो सोल होता है, सोल इंडिविजुअल, वो खुद के बेसिस पे ही जो है अपनी कंपनी को रन करता है, अपने बिजनेस को चलाता है। जैसे कि आपने एक शॉपकीपर देखा होगा या फिर आपने ओनर देखा होगा एक रेस्टोरेंट का, तो वो एक ही जो होता है पर्सन होता है जो सारे बिजनेस को अपने मैनेज करता है। तो अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप खोलते हैं तो उसके क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। पहले मेरिट्स की बात करें तो इजी टू फॉर्म, जाहिर सी बात है कि आप इंडिविजुअल हो, आपको किसी के किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एक ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही काफ़ी हो, तो आप इजीली उसको फॉर्म कर सकते हो जब चाहो। नेक्स्ट है बेटर कंट्रोल, जाहिर सी बात है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आप जो है एक बिज़नेस को एक अच्छे तरीके से खुद ही सिंगल हैंडेडली उसको मैनेज कर पाओगे, ठीक है। एंड आपके सारे जो डिसीजन होंगे वो खुद के ही होंगे और आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बेटर कंट्रोल। सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट, जाहिर सी बात है कि जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जो भी सक्सेस होगी, वो आप खुद इंजॉय करोगे बिना किसी को बांटे। तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा बिजनेस से वो खुद आपको मिलेगा अकेले। और इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है कि आप जो है अकेले ही मैनेज कर रहे हो बिजनेस को, तो आपको किसी को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, किसी से कोई सलाह नहीं लेनी पड़ेगी, तो आपके जो पैसे हैं और एक्सपेंसेस हैं वो कंट्रोल में रहेंगे। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं लिमिटेशन, कि इसकी क्या लिमिटेशन हो सकती है, कि क्यों हमें सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो चूज़ नहीं करना चाहिए। सो लिमिटेशन यही है कि मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं हमें चाहिए होते हैं किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए, एक न्यू ब्लड जो है वो चाहिए होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम एक इंडिविजुअल है तो हमारे पास एक लिमिटेड नॉलेज है, और जब तक हमारी नॉलेज में कुछ एडिशन नहीं होगी तब तक हम जो है उसी नॉलेज के बेसिस पे अपना वर्क करेंगे। तो एक नई नॉलेज, नया जो काम करने का तरीका है वो तभी आएगा आपके बिजनेस में, सक्सेस के जो न्यू डोर्स हैं वो तभी खुलेंगे जब कोई आपकी हेल्प करेगा। तो ये एक लिमिटेशन हो सकती है। रिसोर्सेज की लिमिटेशन हो सकती है कि आप अपने बेसिस पे जितने भी फंड्स इकट्ठे कर सकते हो आप करोगे, बट वो लिमिटेड ही रहेंगे। अगर आपके साथ कोई जुड़ जाए तो उसके फंड्स, उसकी नॉलेज जो है वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल रहेगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि अगर मानो आपका बिजनेस जो है वो लॉस में जाता है तो उसके जो है सारी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ेगी अकेले खुद ही, और आपको किसी की हेल्प नहीं होगी, कोई आपकी जो लायबिलिटी है वो शेयर करने के लिए आपके पास नहीं होगा, तो बहुत ही बर्डन और रिस्क जो है वो आ जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, और फिर उसके बाद आता है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर आपकी डेथ हो जाती है या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाती है या फिर बैंकरप्ट हो जाते हो आप, कुछ भी ऐसी अगर अनफोर्सिंग सिचुएशन आ जाती है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गुमास्ता जो है वो आप ले सकते हो, शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो बनाया गया है फॉर्मेशन के लिए, तो आप गुमास्ता ले सकते हो, उससे आप अपनी शॉप वगैरह खोल सकते हो। सो इसके इस टॉपिक के लिए इतना ही।
अब आगे चलते हैं पार्टनरशिप एक्ट। अगर आप इसको इस मॉड्यूल से पढ़ोगे तो बहुत ही इजीली आपको समझ आ जाएगा, बट अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में जो है नाम से ही पता चल रहा है कि ये फॉर्मेशन है, एसोसिएशन है पर्संस की, जो कि साथ में आते हैं, अपने फाइनेंशियल और मैनेजेरियल एबिलिटीज़ को साथ में कंबाइन करते हैं, और इससे जो है बिज़नेस में एक आपको हेल्प भी मिलती है कि ये तीन चार लोग जो हैं वो आपके बिज़नेस को चलाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, उनके फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो भी यूटिलाइज हो रहे हैं, उनकी मैनेजेरियल एबिलिटीज़ जो उनकी सोच है, समझ है, नॉलेज है, वो भी आपके काम में आ रही है, बिज़नेस में काम आ रही है, और जो प्रॉफिट है लेकिन आपको उसमें शेयर करना पड़ेगा पार्टनरशिप में। एंड इससे जो है एक आप पहले ही एग्रीमेंट बना सकते हो कि मैं इतना इतना जो है वो शेयर करूँगा प्रॉफिट। और अगर हम देखें एक डेफिनेशन जो कि इधर दिख जाएगी आपको डेफिनेशंस में, कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन है, तो उसमें लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स जो एग्री होते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए बिजनेस का आपस में, जो सारे चलाते हैं या फिर एक चलाता है सबके बिहाफ पर। सो ये डेफिनेशन आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट जो है आते हैं फीचर्स पर पार्टनरशिप की, बट उससे पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि मैक्सिमम जो है 20 पार्टनर्स हो सकते हैं और मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। नेक्स्ट चलते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप की क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये काफ़ी बार आ जाता है पेपर में। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप डीड जिसको कहते हैं, उस नॉट पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिकॉज वो एक अलग एक्ट में यूज़ किया गया, तो ये पार्टनरशिप डीड कहा जाता है इसमें, इस चैप्टर में। तो जो एग्रीमेंट है ये दो या उससे ज़्यादा पर्संस के बीच में होता है, एंड जो है इससे जो है पता चलता है कि हाँ अब इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होगा। और नेक्स्ट है एंगेजमेंट इन बिजनेस। पार्टनरशिप जो है बिजनेस एक्टिविटी वगैरह कैरी ऑन करने के लिए हम बनाते हैं, और बिजनेस ट्रेड हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकती है, कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। प्रोफेशन मीन्स जैसे लॉयर्स की जो टीम है वो आपस में आके पार्टनरशिप फॉर्म बनाती है, सीए की, सीएस की, इस तरीके से। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप जो है वो शेयर कर सकते हैं, आपस में शेयर करते हैं प्रॉफिट और बियर करते हैं आपस में लॉसेस। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इनकी आपस में, फॉर ऑल द पार्टनर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो रहती है कि अगर कोई भी लॉस होता है तो उनको सारा जो कर्जा है वो उनके ऊपर आता है, सबके ऊपर। और नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ऐसी बात है कि आप शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो विदाउट द कंसेंट, आप सब पार्टनर्स के आपको कंसेंट पहले लेनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन नॉट कंपल्सरी। तो ऐसी बात है कि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है इस पर्टिकुलर वेंचर के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब देखते हैं कि पार्टनरशिप किस किस तरीके की होती है। पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल नाम से ही पता चल रहा है, विल मतलब कि इच्छा। अगर पार्टनरशिप जो है अगर आपको करनी है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, आपस में साथ में मर्जी में आ रहे हो, तो वो एक तरीके की पार्टनरशिप हुई। फिर है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मतलब कि एक पर्टिकुलर वेंचर या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आप आपस में साथ में आ रहे हो, पार्टनरशिप में आ रहे हो, वो होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स्ड ड्यूरेशन, मतलब कि 2 साल, 5 साल, एक कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आप एक आपस में साथ में आ रहे हो पार्टनरशिप के लिए, तो वो हो गया पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स्ड ड्यूरेशन। फिर नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। यहाँ पर इसे अपने आपको चार्ट भी दिख रहा है। एक्टिव पार्टनर्स, मतलब कि वो पार्टनर्स जो कि एक्टिव पार्ट लेते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज़ में, फुल चार्ज लेते हैं, फुल कंट्रोल लेते हैं, फुल डिसीजंस लेते हैं, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स, मतलब कि जो एक्टिव पार्ट नहीं लेते, स्लीपिंग मतलब कि वो फुल फ्लेज तरीके से पार्टनर्स नहीं होते हैं। अदर्स जो हैं वो फुल फ्लेज नहीं होते हैं और
जो है वो दे आर एसोसिएटेड विथ पार्टनरशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब कि वो जो है वो फुल तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप के साथ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ज़रूर उनका बस नाम जुड़ा होता है, मतलब वो नाम मात्र होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है। सो एक्टिव पार्टनर्स जो सारे डिसीजन लेते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स जो बिल्कुल कोई डिसीजन नहीं लेते हैं लेकिन वो होते हैं, और जो अदर्स हैं वो स्लीपिंग भी नहीं है, मतलब दे आर नॉट वेरी मच एक्टिव और एक्टिव, बट उनका बस नाम यूज़ होता है, मतलब वो ना ही उस कंपनी में कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ना वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और उनमें से जो है पहला है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर नाम से ही पता चल रहा है कि नाम का, सिर्फ नाम का पार्टनर है, इसलिए यूज़ किया जाता है उनका नाम क्योंकि वो सक्सेसफुल होते हैं, तो उनका नाम यूज़ करने से पार्टनरशिप को फ़ायदा होता है, उस फर्म का नाम बनता है, इसलिए सिर्फ उनका नाम लिखा जाता है। जैसे कि टाटा है, बिरला है, अगर वो कोई नया वेंचर शुरू करते हैं तो वो उनका उनके किसी ग्रुप का जो फेमस है नाम, जैसे मुकेश अंबानी है तो वो अपने कोई वेंचर खोलते हैं मुकेश अंबानी, तो वो अपना नाम उस पार्टनरशिप को जो नई खुल रही है उसको दे देंगे ताकि वो उसका ब्रांड बन जाए, लेकिन वो उसमें ना ही पार्टिसिपेट करेंगे ना ही वो किसी भी तरीके से एसोसिएटेड है। तो इस तरीके से नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता बिजनेस में, सिर्फ नाम देते हैं, उनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो भी है मिल जाता है शेयर्स या मनी के फॉर्म में। और ये तरीका होता है। फिर है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, मतलब कि जो है वो इस तरीके से दिखाते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट कि हम इस कंपनी से एसोसिएटेड है, बट एक्चुअली में वो नहीं होते। ये सब इसलिए ही किया जाता है ताकि जो कंपनी का है वो ब्रांड बने, ताकि हमें पता चले हाँ ये इतना बड़ा बिजनेसमैन इस कंपनी से एसोसिएटेड है, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं होते। नेक्स्ट है माइनर्स एडमिटेड इनटू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि कोई जो माइनर है वो तो एडमिट जो है वो नहीं हो सकता पार्टनरशिप में, बिकॉज जाहिर सी बात है कि जो छोटा बच्चा है 18 साल से नीचे, उसको नहीं इतना बिजनेस की नो हाउ है, सो उसको इंक्लूड करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिजनेस लॉस में जाएगा, इसलिए पार्टनरशिप में कोई भी माइनर एडमिट नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, कि अब हमने सब कुछ देख लिया पर अब मेरिट्स क्या है पार्टनरशिप के, क्यों खोली जाए। ईज इन फॉर्मेशन है, जाहिर सी बात है इजीली फॉर्म कर सकते हो, 4-5 लोग ही हैं जिनको आपको कन्विंस करना है। पूलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जाहिर सी बात है उनके जो फाइनेंसिस है, उनके जो कॉन्टैक्ट्स है, जिस तरीके से वो अपने फाइनेंसिस ला सकते हैं कंपनी में, वो सारे जो है मिल के एक बहुत ही अच्छा और बड़ा वेंचर खोल सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। मैनेजेरियल स्किल, उनकी फ्रेश ब्लड आता है ऑर्गेनाइजेशन में, नॉलेज आती है अच्छी, उनकी एक्सपर्टीज़ आती है, जैसे कोई फाइनेंस में अच्छा है तो वो फाइनेंस समझाएगा, उसके काम करेगा, कोई मार्केटिंग में अच्छा है, कोई लीगल में अच्छा है, तो इस तरीके से सारे जो है अपने अपने डिपार्टमेंट में एक्सपर्टीज़ होते हैं, तो एक कॉर्पोरेट बहुत ही अच्छी चलती है। बैलेंस बिजनेस डिसीजन होता है, कोई भी एक दूसरे के डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करता, अगर मैं फाइनेंस की हूँ तो मैं फाइनेंस का काम करूँगी और कोई मेरे फाइनेंस के मैटर में नहीं आएगा, अगर मैं मार्केटिंग की हूँ तो मार्केटिंग से रिलेटेड काम करूँगी, कोई बीच में नहीं आएगा, तो इस तरीके से बैलेंस डिसीजन रहता है। और शेयरिंग ऑफ रिस्क भी होता है कि अगर बाई चांस कोई लाइबिलिटी या रिस्क आता है तो वो सारे मिल के शेयर करते हैं, तो वो कम हो जाता है। डीमेरिट्स ये है कि अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब कि डेथ, रिटायरमेंट, ल्यूनेसी, ये सब जो है इससे जो एंड हो जाता है पार्टनरशिप का, और इसलिए जो एग्जिस्टेंस की अनसर्टेनिटी रहती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि हर एक पार्टनर्स को लायबिलिटी शेयर करनी पड़ती है, रिस्क होता है। फिर है रिस्क ऑफ डिसहार्मनी, कि अगर लड़ाई हो जाए बाई चांस, कोई एक ऐसा पर्सन है कि वो मार्केटिंग वाले के काम में इंटरफेयर करने लग जाए, लड़ाई करे, तो उस तरीके से डिसहार्मनी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है आपस में पार्टनरशिप में, तो क्योंकि पर्सन्स है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डिफ़िकल्टी इन विड्रॉल फ्रॉम फर्म, नेक्स्ट पॉइंट, मतलब कि अब आपको जो है आपने इन्वेस्टमेंट तो कर ली, बट रिक्वेस्ट आपने कर ली, बट आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हो कि ठीक है देखो मेरे को जाना है इस पार्टनरशिप से, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप सिर्फ वो चीज़ कर सकते हो, बिकॉज आपको कंसेंट लेना ज़रूरी है पार्टनरशिप से, पार्टनर्स से आपस के, अगर आपको विड्रॉ करना है तो। आना ईजी है लेकिन जाना मुश्किल है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस, मतलब कि
जो बिजनेस जो आप देखोगे आपका बिजनेस है, जो बैंक्स है आपको लोन देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो लोन देते हैं, बट क्योंकि पार्टनरशिप में डिस्क्लोज नहीं किया जाता है बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है, इसलिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कॉर्पोरेट्स को, कंपनीज वगैरह कॉर्पोरेट्स को ज़्यादा देना पसंद करते हैं लोन बजाय पार्टनरशिप को। तो इसलिए वो चीज़ प्रॉब्लम में आ सकती है ग्रोथ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की। डिफ़िकल्टी ऑफ एक्सपेंशन, मतलब कि लिमिटेड मेंबर्स होते हैं, उनके लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, सपोर्ट भी नहीं होता बैंक का, तो एक्सपेंशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड, मतलब कि जो है पार्टनरशिप ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करता है कि राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है सारे पार्टनर्स की, बिजनेस ऑपरेशन के लिए, बिजनेस के लिए क्या उनकी राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और गाइड करता है, एक गाइड की तरह है पार्टनर्स के लिए बिजनेस में कि वो किस तरीके से बिहेव करेंगे। डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट्स को कम करने के लिए ही पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है। नेक्स्ट है ये सब की इंग्रेडिएंट्स है जो आप खुद भी एक बारी पढ़ सकते हो तो आपको समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर पे हम जल्द ही चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पर हम जल्दी चलेंगे, बट इससे पहले हमें ये चैप्टर को कंप्लीट करना है। चैप्टर अभी थोड़ा आधा बचा है जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगी। तो तब तक के लिए डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आगे और भी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी इस आपके CS सब्जेक्ट्स पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।